This is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institutes, and today we have this particular letter in our hands. And this particular letter is a discharge letter. Again, there are two kinds of letter that majorly comes, but again, we should not categorize it. But generally saying, तो आप प्लीज इसको हमेशा कैटेगराइज मत करो. मैं जनरली कह रहा हूँ दैट मेजरली टू टाइप्स के लेटर्स होते हैं. वन इज डिस्चार्ज प्लान लेटर एंड द सेकंड वन इज विजिट लेटर. तो हर दोनों ही लेटर्स में सबसे पहले हमें ये ढूंढना होता है हम लेटर किसको लिख रहे हैं. सो इन दिस पर्टिकुलर केस राइट अ लेटर टू मिसेज होल्डन जीपी. दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट. इस पर्टिकुलर चीज से सब कुछ चेंज हो जाता है. सो दिस बिकम्स अ वेरी टिपिकल लेटर ऑफ ओईटी. दैट मीन्स दैट बिकम्स अ डिस्चार्ज बैक लेटर. ये लेटर बिल्कुल अलग होता है नॉर्मल लेटर से. डिस्चार्ज बैक लेटर का मतलब क्या होता है कि हम बंदे को वापिस डिस्चार्ज कर रहे हैं इन टू योर कंसिडरेशन. लेकिन अगर हम डॉक्टर की बात करें तो हम डॉक्टर के पास वापस डिस्चार्ज थोड़ी करते हैं, हम उनको रेफर्ड बैक करते हैं. तो इन लेटर को डिस्चार्ज बैक की जगह रेफर्ड बैक बोलना चाहिए प्रिसाइजली, कि दैट पेशेंट जो आपने भेजा था उसको ठीक करके हम रेफर बैक कर रहे हैं. बट कई बार ऐसा भी होता है दैट इन दिस पर्टिकुलर लेटर ऑल्सो ये हो सकता है कि क्या पता इस जीपी ने भेजा ही ना हो, हमें कहीं पे डाटा दिया ही नहीं कि इस जीपी ने भेजा है. तो ऐसे वर्ड्स को अवॉइड करना चाहिए. मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आपने लिखे हैं तो गलत है. आई एम नॉट सेइंग दैट इफ यू हैव रिटन इट इज रॉन्ग, बट व्हाट आई एम सेइंग दैट हमारा पेपर एक ही होता है, तो क्यों ना हम उस पेपर को अच्छे से समझ के जहाँ पे अवॉइड कर सकते हैं. मतलब अगर हमें नहीं पता लग रहा कि जीपी के ये जो होल्डन का जीपी है उसने भेजा था, तो हमें वो रेफर्ड बैकवर्ड का यूज नहीं करना चाहिए. सो इट विल सेव. यू अंडरस्टैंड? सो दैट इज व्हाट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट. सो दैट इज व्हाट ओईटी इज ऑल अबाउट. बिकॉज हमें कभी ओईटी की चेकिंग के बाद पेपर नहीं मिलता है, सो वी विल नेवर कम टू नो कि क्या ठीक है क्या गलत है. सो वी हैव टू जस्टिफाई आर थिंग्स. सो अगेन द फर्स्ट थिंग इज राइटिंग अ लेटर टू पेशेंट्स जीपी. तो पेशेंट की जीपी को लेटर लिख रहे हैं. पेशेंट के जीपी का मतलब क्या है? अगर मतलब मैं पेशेंट हूँ और मेरा जीपी है, तो मतलब अगर मेरे पेशेंट मेरा जीपी के पास मेरा लेटर जा रहा है, तो मेरे जीपी को मेरी मेडिकल हिस्ट्री और सोशल हिस्ट्री पता होगी. So that is the first point. Medical history and social history को लिखना नहीं होता इन letters में. अगर लिखना है कोई important point लग रहा है तो हमेशा as you know और so का combination होगा. बस ये बात याद रखनी है. और इन letters की शुरुआत हमेशा कैसे होती है कि ये मैं letter लिख रहा हूँ आपके patient के regarding. So I am writing this letter regarding one of your patients. Regarding one of your patients, मतलब आपके patients में से one of your patients, Mrs. Holden, whatever the name is, who was admitted on this date, जो भी date दी होगी on date, for purpose, इस purpose के लिए admit हुई थी हमारे पास. Now she is better. अब वो बेटर है. सो शी इज बीइंग डिस्चार्ज्ड. थोड़ा सा वर्ड लिखते हैं नाउ आफ्टर ट्रीटमेंट. ये वर्ड को भी मिस नहीं करना चाहिए. नाउ आफ्टर ट्रीटमेंट शी इज बेटर. यहाँ पे कनेक्टर, दैट इज व्हाई कनेक्टर्स आर सो इंपॉर्टेंट टू ऑल द पीपल हु आर लिसनिंग टू द रिकॉर्डिंग्स अदरवाइज ऑन यूट्यूब एज वेल. दैट इज व्हाट ओईटी इज ऑल अबाउट. I am writing this letter regarding one of your patients, Mrs. Holden. So, यहाँ पे हमने first, this is the first punch of letters, जहाँ पे हम उसी के GP को भेजते हैं. और हमें कैसे पता तो लगा था ये Mr. Holden है कि उसका GP है, तो वहाँ पे लिखा था Mrs. Holden's, ये apostrophe S. तो apostrophe S मतलब होता है कि उसी का GP है, that he belongs to him. So I'm writing this letter regarding one of your patients. यहाँ से इस S से पता लगा मेरे को. So I'm writing this letter regarding one of your patients, Mrs. Holden, who was admitted on this date for this purpose. Now after treatment, she is better. That is where connectors come into play. इसी को तो cohesiveness कहते हैं. इसी को तो flow of the letter, fluency of the letter कहते हैं. So after now after treatment, she is better. So she is being discharged. तो ये जो so है ना, this is what actually sets up the tone for the letter and is very important, and that is everything about any writing. जब भी writing flow में होगी तो connectors हमेशा सही जगह पे लगेंगे. अब देखो connectors दोबारा. I am writing this letter regarding one of your patients. So आज जो हम letter लिख रहे हैं majorly वो discharge back plus connectors की बात कर रहा है. So discharge back plus connectors are the two important point of today's letter.
और डिस्चार्ज बैग के पंचेस की बात कर रहे हैं. सो दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स. सो आई एम राइटिंग दिस लेटर रिगार्डिंग वन ऑफ योर पेशेंट्स मिसेज होल्डन हु वाज एडमिटेड ऑन दिस डेट फॉर नाउ. तो हम प्रेजेंट में ले आते हैं. नाउ आफ्टर ट्रीटमेंट शी इज बेटर सो शी इज बीइंग डिस्चार्ज. अब यहाँ पे थर्ड पंच ये बहुत अच्छा लगता है जब आप रेफर्ड बैक डिस्चार्ज बैक ऐसा वर्ड यूज नहीं कर पा रहे क्योंकि समटाइम्स वी आर अनेबल टू यूज डिस्चार्ज बैक और रेफर्ड बैक क्योंकि हमें ये नहीं पता होता कि जीपी ने भेजा था या नहीं भेजा था. वैसे अगर नॉर्मल प्रोसेस देखो तो ऑफकोर्स जीपी रेफर करता है तभी तो पेशेंट आगे सीनियर डॉक्टर्स के पास जाता है फॉरन कंट्रीज में. इन फॉरन कंट्रीज डॉक्टर गो टू अ बेटर डॉक्टर ओनली विद द रेफरेंस ऑफ जीपी. तो डिस्चार्ज बैक लिख सकते हैं वो गलत नहीं है लेकिन अगर मुझे पेपर में नहीं दिया तो मैं इस वर्ड को अवॉइड करूंगा और वही लिखूंगा जो मुझे लिखना है. ये लेटर आपके पेशेंट के रिगार्डिंग फर्स्ट पंच. नाउ आफ्टर ट्रीटमेंट सो शी इज बीइंग डिस्चार्ज एज यू आर हर जीपी. दैट इज माय थर्ड पंच एज सेकंड पंच और मोस्ट इंपॉर्टेंट पंच. एज यू आर हर जीपी सो यू आर रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइड हर फॉलो अप केयर आफ्टर डिस्चार्ज. मतलब दिस इज व्हाट पैटर्न आई वुड फॉलो कि आप उसके जीपी हो तो इसलिए हम आपके पास भेज रहे हैं फॉलो अप केयर के लिए. नहीं तो अदरवाइज नॉर्मली जीपी विल नेवर प्रोवाइड द फॉलो अप केयर बट इन दिस केस फॉलो अप केयर इज पॉसिबल बिकॉज इट इज द पेशेंट्स जीपी. सो दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. अपार्ट फ्रॉम दिस देन द थर्ड पंच ऑफ द लेटर बिकम्स. व्हाट इज द थर्ड पंच? थर्ड पंच इज अबाउट व्हेन यू विल स्टार्ट द सेकंड पैराग्राफ. एज यू नो Mrs. Holden is a case of diabetes. अब यहाँ पे सो के बिना कभी खत्म नहीं करना. As you know, Mrs. Holden is a known case of diabetes. So दोनों को during hospitalization जो third paragraph normally होता है वो mix हो जाता है. That is why this letter is very different. As you know, Mrs. Holden is a known case of diabetes. So during hospitalization. Diabetic diet was given. That is how you mix up the data. This is the best format, जिससे आपको परेशानी भी नहीं होगी and your letter will go in absolute flow. जैसे अगर कोई और disease है, as you know, she is having hypertension. So I'm not talking about this letter as further. अगर एक और point है further, you are also aware that she has been having. मतलब that is how you create English. She has been having hypertension. So you change the tense as well. So मैंने यहाँ पे tense को भी change किया. Ash has been having hypertension since last 8 years. So she was also given medications for hypertension too. That is how you mix up the data. So these are the punches of the letter. अब देखते हैं अब ये वाला this is how the format is. फिर आराम से फिर तो simple letter हो जाता है. अब discharge plan. So after discharge this and this thing would be required. So that is the pattern of this particular letter. How to write discharge back letter or I would say if you are the GP या patient का GP है या patient का कोई है. जब discharge back word को कब use करते हैं कि मान लो patient nursing home से आया है. नर्सिंग होम से आया मतलब वो नर्सिंग होम में रहता होगा. उसका होम एड्रेस नर्सिंग होम वाला होगा. आप सेम नर्सिंग होम को लेटर लिख रहे हो तब आप कहते हो कि ही इज बीइंग डिस्चार्ज्ड बैक क्योंकि वो वापस नर्सिंग होम में जाता है. तो जब प्लेस होता है जब वापस बंदा उसी जगह पे जा रहा है तब हम लिखते हैं डिस्चार्ज बैक. लेकिन जब अपने जीपी के पास जा रहा है तो उसको डिस्चार्ज बैक को थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हो बल्कि ये लिख सकते हो एज यू आर हर जीपी क्योंकि आप उसके जीपी हो. सो यू आर रिक्वेस्टेड टू provide her follow-up care for her speedy recovery ताकि उसकी recovery fast हो जाए. अब देखते हैं हमारा strategies में से कौन सी strategy इस particular format में काम करती है. Let's see. So yeah, Flinders Medical Center, Cynthia 61-year-old female है और married है. Next of kin Neil है. Husband ये है. 3 दिन के लिए हमारे पास एडमिट रही है. 12, 13, 14, 15 मतलब 3 days ago आई थी. वैसे टोटल 4 दिन है. 4 days के लिए एडमिट रही है ड्यू टू क्रॉनिक वीनस लेग अल्सरेशन. सिम्टम्स हमें जरूरत नहीं है क्योंकि जीपी को पता होगा तभी वहां यहां तक पहुंची है. लेकिन अगर लिखना है तो लिख भी दो. बस वैसे तो सिंपल लिख दो वॉज एडमिटेड ड्यू टू दिस थिंग
एंड वॉज लेटर डायग्नोज विद क्रॉनिक वीनस लेग अल्सरेशन. मतलब मैं बोल देता हूँ, आई एम राइटिंग दिस लेटर रिगार्डिंग वन ऑफ योर पेशेंट्स मिसिज होल्डन हु वॉज एडमिटेड विद sunken asymmetrical shaped wound along with inflamed skin full stop. Also there was yellowish white exudate as well as she was having pain. Later she was diagnosed with, later ka matlab hota hai baad mein, uske baad, so later is a very good word, ya after that. Later she was diagnosed with, aise likh sakte ho aap, bahut acha jata hai. Later she was diagnosed with chronic venous leg ulceration. Now required treatment has been given. तो ये wound वाला treatment में first paragraph में सारा cover हो जाता है. Now after the required treatment, her condition is better. So she is being referred. So her condition is better. As you are her GP, so you are requested to provide her care after discharge. So her condition is better. So she is getting discharged. Again same pattern. अगर मैं इस pattern को वहाँ पे apply कर दूँ पूरा, तो मैं आपको वापस पैटर्न पे लेके जाता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो और मैं वर्ड्स को शफल ना करूं, क्योंकि आप ध्यान से सुनते हो तो मेरे वर्ड शफलिंग आपको तंग करती होगी. सो आई एम राइटिंग दिस लेटर रिगार्डिंग वन ऑफ योर पेशेंट मिसेस होल्डन हु वाज एडमिटेड विद संकन डीप वुंड्स व्हाटएवर दिस अलोंग विद दैट शी वाज आल्सो हैविंग दिस एंड दैट प्रॉब्लम. लेटर शी वाज डायग्नोज्ड विद क्रॉनिक वीनस लेग अल्सरेशन. रेस्ट बिल्कुल सेम. Now, after treatment, she is better, so she is being discharged. As you are her GP, so you are requested to provide her follow-up care after the discharge. That's it. So this will make up everything for this particular letter. Again, follow the pattern in an easy way. Try to fit in the pattern. Then, ye sab usko pata hoga, to ye sab ki zarurat nahi hai. Hypertension wagera, you don't have to write anything because social history and medical history would be well known. अगर कुछ यहाँ पे हमने कुछ वुंड क्लीन, हाइपरबैरिक ऑक्सीजन, लेग एलिवेटेड, अगर इसमें यहाँ पे कुछ डायबिटीज और हाइपरटेंशन से रिलेटेड किया है तो वो उसको पता ही होगा, तो उसको हम लिख देंगे. ना ही सोशल हिस्ट्री की जरूरत है, ना ही मेडिकल हिस्ट्री की जरूरत है, तो ये सब डाटा वेस्ट हो जाता है. सो देर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ दिस डाटा. सो ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन हम देखते हैं कुछ और किया. रेगुलर ड्रेसिंग, कंप्रेशन बैंडेज, पेन रिलीफ, जिंक एंटीबायोटिक्स, रिकवरी प्रोसेस विल बी स्लो. तो यहाँ ये जो रिकवरी प्रोसेस विल बी स्लो है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, मतलब जब आप सेकंड पैराग्राफ लिखोगे तो मैं आपको सेकंड पैराग्राफ बोलता हूँ और कंफ्यूज नहीं करता. सेकंड पैराग्राफ, ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन, सो आफ्टर हॉस्पिटलाइजेशन या ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन, वुंड वॉज क्लीन एंड ऑक्लूसिव ड्रेसिंग वॉज डन, ऑल्सो हाइपरबैरिक ऑक्सीजन वॉज गिवन एंड लेग वॉज कैप्ट एलिवेटेड. प्लीज ऐसे मत, एंड लेग वॉज कैप्ट एलिवेटेड, ऐसे वर्ड यूज क्या करो. लेग वॉज कैप्ट एलिवेटेड. Along with that, regular dressings were done. On day 2, compression bandage was applied. And pain relief and antibiotic therapy were commenced. दो therapy हैं, वैसे पर therapy singular है, तो was commenced. So pain relief and antibiotic therapy was commenced along with zinc and iron supplement. जब word same होते हैं तो एक में कर दो. So on day 2, compression bandage was applied and pain relief and antibiotic therapy was commenced along with zinc and iron supplements. The patient responded well to the treatment and she was advised that her recovery progress would be slow. After discharge, you are requested to arrange a district nurse who can do the daily dressings and monitor medications. Also encourage the patient to limit outdoor activities initially until the wound gets healed. इसकी जगह आप gets लिख सकते हो. मैंने बताया get का मतलब हमेशा हो जाना, जब तक कि wound heal हो जाए, until the wound gets healed and then, और उसके बाद then को change कर सकते हो after that, and after that commence the patient on the regular exercises. Elastic stockings should be used and balanced diet should be taken along, या फिर further patient should be advised to avoid sitting or standing still for the long periods and should avoid hot baths as well. Further, it is important to remind the patient that the patient should keep his or her leg elevated whenever possible. Rest of the details are being enclosed with the letter. That's it. Isme medication chart nahi likhna kyunki usko pata hi hoga. So that is how you will write this simple letter. You don't have to write about social history and medical history. Agar wo progress wali line pe likhna, her progress would be slow as you are well aware that he is a known case of diabetes. वैसे यही इसी की यही best बात है. Social history, medical history आप बिल्कुल भी नहीं लिखोगे तब भी चल जाएगा,
वो क्यों चल जाएगा? क्योंकि हमारे पंचेस जो इंपॉर्टेंट पंचेस है वो हमारे इसी में लग गए हैं जो इस वाले पैराग्राफ में, आई एम राइटिंग दिस लेटर रिगार्डिंग दिस, मिसिज होल्डन वॉज एडमिटेड ऑन दिस डेट, यहाँ पे वन ऑफ योर पेशेंट, दिस इज द फर्स्ट पंच, एंड एज यू आर हर जीपी, दिस इज द सेकेंड पंच. इस वाले लेटर में हमें इस वाले पंच का मौका नहीं मिला क्योंकि वहां पे कोई ऐसी बात नहीं थी कि डायबिटिक डाइट वॉज गिवन, ऐसा कुछ दिया नहीं हुआ था, तो इस कारण से मैंने उसको यूज नहीं किया. लेकिन मैं वहां पे यूज कर सकता था लास्ट में कि शी वॉज एडवाइज दैट हर प्रोग्रेस वुड बी स्लो एज यू नो दैट शी इज अ नोन केस ऑफ डायबिटीज, तो वहां पे मैं यूज कर सकता था, बट फिर मेरे को थोड़ी जबरदस्ती लगी तो मैंने कहा जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, इसलिए मैंने यूज नहीं किया. तो द थर्ड पंच शुड बी यूज ओनली वेन रिक्वायर्ड. सो दिस इज अबाउट डिस्चार्ज बैक लेटर. So I'm keeping the recording off and will ask you questions. So I'm unmuting your mics. And this is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institutes. And our contact number is +91769673 4256. Thank you.